हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू कंटिन्यू योर रिमेनिंग चैप्टर 4 मोर ऑन इंटरनेट। हाउ टू सर्च ऑन इंटरनेट। इंटरनेट पर आप कोई भी कंटेंट कैसे सर्च करेंगे। देयर आर मिलियंस ऑफ वेबसाइट्स एंड वेब पेजेस अवेलेबल ऑन इंटरनेट। इंटरनेट पर बहुत सारे वेबसाइट्स एंड वेब पेजेस अवेलेबल होते हैं। They contain information on almost all the subjects, topics. आप वहाँ इंटरनेट पर सारे सब्जेक्ट्स रिलेटेड और टॉपिक्स रिलेटेड इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है। इट इज़ नॉट ऑलवेज पॉसिबल टू नो द एड्रेसेस ऑफ ऑल द वेबसाइट दैट कंटेन इंफॉर्मेशन अबाउट एनी पर्टिकुलर सब्जेक्ट। हमें हमेशा हर सब्जेक्ट और कंटेंट का की वेबसाइट का पता नहीं होता है। यू कैन ओनली रिमेंबर अ लिमिटेड नंबर ऑफ एड्रेसेस ऑफ वेबसाइट्स। आप सिर्फ लिमिटेड नंबर्स और में ही वेबसाइट्स लर्न कर सकते हैं। फॉर दिस पर्पस यू हैव जस्ट टू यूज़ सर्च इंजन्स एंड डायरेक्टरीज। इसलिए आप सर्च इंजन्स एंड डायरेक्टरीज का यूज़ कर सकते हैं। डू यू नो बेसिक कंप्यूटर एटिकेट्स। Usually giving the slang term net etiquette is a set of rules and guidelines for proper interactions across the web. Net etiquettes का meaning क्या होता है? Internet पे आपको किस तरह का etiquette रखना है, यानी किस तरह से behave करना है, तो ये आपको क्या कहलाता है? Net etiquettes कहलाता है। Search engines. Internet search engines are those websites that search information according to the words और टर्म्स रिटन बाय यू। सर्च इंजन्स का मीनिंग होता है जो आप वेबसाइट पर सर्च करते हैं, आप अपने वर्ड के अकॉर्डिंग सर्च कर सकते हैं। सम पॉपुलर सर्च इंजन्स आर, यहाँ कुछ पॉपुलर सर्च इंजन्स दिए हैं। गूगल, फर्स्ट इज गूगल, याहू, आस्क एंड बींग, दीज आर सम सर्च इंजन्स। सपोज यू वॉन्ट टू सर्च लेटेस्ट स्पोर्ट्स रिकॉर्ड ऑन द इंटरनेट। आपको लेटेस्ट स्पोर्ट्स रिकॉर्ड्स इंटरनेट पर सर्च करना है। Open a search engine with your browser. For example, open www.yahoo.com and type latest sports records in the space provided for writing search term. फिर वहाँ पर जो space होता है जहाँ पर search करने के लिए दिया होता है, वहाँ आप अपने latest sports record type कीजिए। Press enter और click Yahoo search button. फिर आप enter press कीजिए आपके साथ और click Yahoo search button. In the same way, you can search for books, games, news, songs, jokes, and movies or any other topic of your choice. इसी तरह आप कोई भी book के बारे में games, news, songs, jokes, and movies या फिर किसी भी topic से related कोई भी information internet पर आप देख सकते हैं। Internet आपके लिए बहुत helpful है। So students, your chapter has been completed. Thank you. Stay home, stay safe.